वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, मैं अपने गांव से वापस आ चुकी हूँ मायके से। मैं अपने मम्मी पापा के पास आई हूँ। थोड़े दिन मैं मायके रही और उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा के घर आई हूँ। तो फ्रेंड, मैं कल आ चुकी हूँ, तो कल मैं कुछ शूट नहीं कर पाई वहाँ से। जब आई तो हम जल्दी जल्दी में आए, तो मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट डे। तो हम लोग, मैं अनायशा को लेकर बाहर आई हूँ घूमने, क्योंकि ये अंदर नहीं रहती, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा बाहर घूमने लाई हूँ। हेलो अनायशा, कहाँ पे हो? हेलो बरो, मैं बुझवाती हूँ। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि धूप खिली है और बिल्कुल साफ हो चुका है। पर इस साइड स्नोफॉल है थोड़ा थोड़ा, जो शिमला वाली साइड है उस साइड स्नोफॉल है, पर यहाँ पे जहाँ मम्मी का रूम, पापा का रूम है, वहाँ पे स्नोफॉल कम होती है। हाँ, मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ कितना सुंदर है। हेलो गाइस, बोलो कैसे हो आप? ठीक हो? असल मेरे नानू आ गए। कहाँ पे है? दिखाओ नानू को। ये अनायशा के नानू हैं। आपके नानू हैं ये? कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। आज हॉलीडे है ना? हॉलीडे है ना आज? आज छुट्टी, आज नहीं जाते ऑफिस। आप कहाँ आए हो घूमने? नानी का है आपकी नानी माँ? जोर से बोलो। अंदर काम कर रहे? ओके, नो गंदी बात नहीं करते, खेलो। तो फ्रेंड, हम लोग घूम रहे हैं थोड़ा बहुत, यहाँ बहुत तेज धूप लगती है, ज्यादा टाइम तक बाहर नहीं रह सकते। तो मम्मी थोड़ा काम कर रही थी, इसीलिए मैं अनायशा को लेके बाहर आ गई। तो फ्रेंड, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी ने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, पिछली वीडियो को। प्लीज़ आगे भी ऐसे देना, और आप मुझे सुजेशन देना कि मैं कैसी ब्लॉग आपके लिए लेके आऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप फिर से आप लोगों का, सभी का थैंक यू। चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कहाँ जाना है बिट्टू? नहीं, ऊपर नहीं जाना, अभी नहीं जाना, बहुत तेज धूप है ना। फिर थोड़ी देर में जब नानी माँ आएंगे फिर जाएंगे हम। नानी माँ को लेके आते हैं। तो फ्रेंड चलिए, मैं थोड़ी अनायशा घूमने ले जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड, हम लोग रूम जा रहे हैं अब। अनायशा बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, अनायशा को भी नींद लगी है, तो मैं इसको सुला देती हूँ। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 11:30 हो चुके हैं। तो इसको मैं सुला के फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। मैं बाहर आई और मम्मी तो गायब है यहाँ से, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे को लगा धूप में बैठे हुए और मम्मी है नहीं है यहाँ पे, मैं ढूंढती हूँ जरा कहाँ गए। तो फ्रेंड, मम्मी वगैरह तो यहाँ थोड़े आगे बैठे हुए थे, मैं उनको ढूंढने आगे आगे आ गई। और यहाँ पे थोड़े आगे बेंच लगा हुआ है बैठने के लिए, तो वो लोग वहाँ बैठे हुए। नीचे से एक दीदी भी है, मतलब पड़ोस के दीदी। तो फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा रूम है जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग बहुत सालों से रहते हैं, कम से कम 20 साल हो चुकी है। हमारी एजुकेशन हुई यहाँ से, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ से किया। फिर हम लोग, क्या मेरी मैरिज हो गई, मेरा भाई सेटल हो गया, पर फिर भी मम्मी पापा ने तो यही रूम रखा हुआ है, क्योंकि उनको यही अच्छा लगता है। जहाँ पे आप रहते हो ना, आपको वही अच्छा लगता है शुरू से। और क्योंकि थोड़ा ये सड़क से नीचे है, तो पापा को थोड़ी दिक्कत हो जाती है चलने में, पर फिर भी ये रूम नहीं छोड़ते, यहाँ पर ही रहते हैं। तो हमारी यादें यहाँ से बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा बचपन यहाँ यहीं पे, जब हम लोग
मैं तो शायद 6-7 ईयर्स की थी, पर मेरा भाई तो छोटा था। तो हम लोग यहाँ आ चुके थे और हम यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मकान नहीं थे, एक दो ही मकान थे और यहाँ पे पूरा भर चुका है। हम लोग बहुत खेलते थे यहाँ पे, पड़ोस के बच्चे होते थे और सब 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 सेटल हो गए अपने अपने, किसी की मैरिज होगी, किसी की मतलब कुछ जॉब कर रहे हैं, सब अपने अपने को सेटल हो चुके हैं। पर जब हम लोग मैं यहाँ आती हूँ ना तो बहुत याद आती है कि हम लोग कैसे खेलते थे और मतलब कैसे घूमते थे वो सब कुछ। तो मतलब बचपन याद आता है अपना, अब तो वो टाइम तो कभी वापस नहीं आता, पर यादें तो यादें रह जाती है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मम्मी मम्मी के यहाँ कहाँ बैठे हुए, दीदी मम्मी ये लोग यहाँ बैठे हुए बेंचेस पे आराम से। मम्मी ने अनायशा की टोपी सी बुन रहे हैं, पता नहीं क्या करे, इतनी दूर आए हुए हैं वहाँ से। ये वो यहाँ ये मकान है जहाँ पे रहते हैं हम लोग, और ये यहाँ पे बैठने आए हुए। चलो फ्रेंड मैं भी थोड़ी गपशप मार रही थी उनके साथ, अभी अनायशा सोई हुई है। तो फ्रेंड मैं अंदर आ चुकी हूँ क्योंकि अनायशा सोई हुई थी तो उसको चेक करने आना पड़ता है अंदर। तो मैंने सोचा मैं आपको रूम भी दिखाती हूँ, होम टूर करवाती हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि टू रूम सेट होते हैं, ये रेंट भी लिया हुआ रूम है। तो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। चलो जैसा भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, तो फ्रेंड ये एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर आते हैं और यहाँ पे विंडो है और यहाँ पे अलमीरा। ये मम्मी ने बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है इसमें क्योंकि, और ये रूम है, वहाँ पे फ्रिज है और यहाँ से सेकंड रूम के लिए जाते हैं अंदर। इस पर लाइट बंद है, मैं ऑन करती हूँ। ये सेकंड रूम है, यहाँ पे अनायशा सोई हुई है। यहाँ पे हीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये यहाँ पे मंदिर है। अभी टीवी ये बंद ही है, कोई इसको ऑन नहीं कर। और ये किचन है, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे मम्मी ने पानी भरा क्योंकि यहाँ पानी सुबह ही आता है और नेक्स्ट डे आता है, इसलिए भर कर रखना पड़ता है। और यहाँ पे वॉशरूम है, इसके साथ अटैच ही है वॉशरूम। तो फ्रेंड मैं लाइट बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड टू रूम सेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो फ्रेंड मैंने आपको दिखाया थोड़ा थोड़ा आपका शेयर किया है क्योंकि जो रेंट वाले रूम होते ज़्यादा बड़े नहीं होते, ठीक से होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है, इसको बहुत साल हो चुके हैं क्योंकि 20 साल हम आपको हो गए यहाँ पे रह के, तो ये उससे भी पहले की बनी हुई है और पहले के रूम ऐसे ही बनते थे। तो मैंने एक साथ शेयर किया है जैसा भी है।